अपने हिमाचली मॉम सुनीला आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज हम दोनों शाम को, देखो सन पड़ना बोलते हैं हमारे इसको, रात हो गई है, हाँ भगवान का टाइम है। अभी हम घर से निकल पड़े हैं, हम दोनों काफी डाउन आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर के पास, रौनक के दादी दादी को घर में छोड़ के। तो ये हमारे ऐसे आजकल हुए ना थोड़े दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, काटेंगे बाबा ही बनना क्यों बनना बाबा नहीं तेरे को दाढ़ी अच्छी लगती है मुझे दाढ़ी अच्छी लगती थी, ऐसी उस पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी। और काली दाढ़ी हमेशा नहीं रहेगी भाई, हाँ खैर काली बुढ़ी तो मैं भी हो गई हूँ। अब हम लिंक रोड से निकल गए हैं, मेन रोड है हमारा, हाँ। मेन रास्ता है, अरे मेन रास्ते को हम चकमा दे रहे हैं वो शायद सबसे आगे ही पहुंच गया है, छोड़ दरवाजे से, अच्छा हमारा गेट उधर है, अभी मैं इधर दरवाजा तो नहीं, मैं दरवाजा है, चलो हट रस्ती यार। शाम के बजे 8 और नई नई सी लाइट दिख रही है यहाँ से, चलो खाना खाने उठो, चावल बनाए मैंने यहाँ पे और सफेद चने तो मैंने पीछे से लाए हैं, सफेद चने बने हैं, सारे चारों चार लाइटें चला दी है यहाँ, इतना थोड़ा लगता है यहाँ पे बड़ा जैसा घर है ना, तो यादें ताजा रहती है। हैं कौन सी यादें ताजा हुई यार, बचपन की यादें होती है, बचपन से यहीं पल रहे, यहीं पे रहे हैं हम, तेरे को थोड़ा लगेगा इस चीज के बारे में पता, ओ मेरे को तो कुछ लगेगा बचपन से, तू तो आई थी 20 साल में, तो मैं था उसमें 1 साल का, 20 साल की नहीं थी मैं, 22 साल की थी जब मेरी शादी, 22 साल की 23 में लग गई, तो मैं वो 1 साल से ही थी। चलिए खाना खाते हैं, चावल ही खाएंगे आज, ओह बता तो और सफेद चने की दाल पीछे, मतलब कि वो बनी थी सफेद चने के छोले होते, वैसे दाल नहीं होते, पाण वैसे बोलते हैं सफेद चने दाल बनाओ पे आज, चलिए वो बनाते हैं। और पिछली बार कमेंट था कि ये साफ कीजिए, ये पता क्या है, ये जब हमारा ऊपर छत पड़ा था ना उससे पहले का है ये, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, उतना बुरा नहीं है ये, थोड़ी सी पपड़ी निकली है स्लैब से, है ना, हो सकता है। हाँ और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से कमेंट थे पिछली बार, अगर आपने ये घर बेच दिया होता तो अभी आप कहाँ जाते हैं, सही बात है ना, ऐसा नहीं था, मुझसे ना मेरे व्यूवर्स बहुत सारे नाराज भी हो गए थे उस टाइम कि भाई आप और सबसे बड़ी बात यही थी, मम्मी डैडी ने बिल्कुल मना कर दिया था नीचे, क्या कौन आ गया, मतलब क्यों, अब वो आते तो हम भी पीछे से आ जाते, और ये ऐसा नहीं था कि मेरा था, मम्मी डैडी मम्मी तो अभी भी बोल रहे हैं ना, पीछे बोलते हैं हम, दोनों घर संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, अभी जैसे आज भी अचानक से इसलिए आए हम यहाँ पे क्योंकि कुछ मैसेज आए हमारे को बरसात में, बरसात की वजह से पीछे सीलन बहुत हुई, पीछे साइड बहुत सीलन हुई है, निचली साइड को खोलने पड़ते हैं, घर के बहुत ज्यादा बुरे हाल है निचली साइड को, तो वो भी हमने अभी रात भर खुले रखने हैं, फिर इसीलिए आए हैं हम यहाँ पे। चलिए खाना खाते, आज रात को इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूछे मत, रौनक के पापा सुबह उठते ही मंदिर चले गए थे, मंदिर यहाँ नीचे है जैसे कि मैंने बताया ही है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स है उनको पता ही है, और मैं आज इतनी परेशान सारी रात, होते क्या है जो यूट्यूबर होते हैं और कमेंट भी होते हैं आपके आए कि हमें बताना कि यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, पिछली वीडियो पे भी था, बहुत सारे होते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास अपना जो मोबाइल का चार्जर लाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और फिर अगर लाइट ना हो तो मेरे पास हमेशा रहता है पावर बैंक, और ये देखो लीड, देखिए आपने इसकी कितनी ज्यादा बुरे हाल में है, अभी भी इसमें बहुत ही कम बैटरी है, और उसके बाद होता है हमारा ट्राईपॉड, खैर मेरे पास अब दूसरा ट्राईपॉड है, ये वाला देखो, ये मेरा सबसे पहला ट्राईपॉड था, 250-250 में आपको ये मीशो पे मिल जाएगा आराम से, शुरुआत आप इससे कर सकते हो अगर आप बिगनर हो, और एक सेल्फी स्टिक वो भी मेरे पास हमेशा ही रहते, हालांकि अब मैं उससे उतनी वो करती नहीं हूँ, ये शौक शुरू में होते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि चलो एक हम कर लेते हैं, पर कई जगह ये काम आ ही जाते हैं, सेल्फी स्टिक, तीन चीजें ये मैं भी सेल्फी स्टिक से कर रही हूँ, तो काफी अच्छा खासा इसमें बैक साइड का कैप्चर हो जाता है ना, तो ये चीजें जो है जरूरी रहती है, और मेरी सेल्फी स्टिक तो ठीक है, और मेरे पास ये भी पीछे है दूसरा ये वाला, मुझे क्या करना होगा, मुझे चार्जर मेरा जो सी टाइप की लगती है कुछ ऐसा होता है वो खराब हो गई है, तो मुझे अब इसका इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये व्लॉग में यहीं तक ही रख सकती हूँ, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाऊँ। रौनक के पापा लाइट वगैरह बंद करते हुए
काफ़ी अच्छा खासा मैंने साफ भी किया है सुबह को उठ के। और वो देखो मौसम, आज रात को फिर डर लग रहा था, जैसे यहाँ थे ना फिर पुराने घर के लिए डर लग रहा था कि पता नहीं उधर रौनक के दादू दादी रौनक, पता नहीं क्यों, नए घर के लिए सॉरी पुराने नहीं, पिछले साइड को थोड़ा सा खतरा भी होता है ना, इसीलिए डर लग रहा था, है ना। रात को जैसे ऐसे लग रहा था ना, पता नहीं पीछे कैसा हो गया होगा ना, ऐसा होता ही है। पर यहाँ पे खतरे वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा है। चलिए चलते हैं अब यहाँ से ऊपर, मैं तो पीछे नहाऊंगी, रौनक के पापा यहाँ नहा लिए। अब बीच बीच में आएंगे हम, इसकी देखभाल करना भी जरूरी है। हाँ। आने वाले टाइम में इसको ना अपने इस दम पे होम स्टे बनाने की सोच रहा हूँ। हाँ। कौन आएगा यहाँ रहने? कोई होता है ना चलने का इच्छुक, कोई यहाँ हो टूरिस्ट के जो चलने का इच्छुक हो, ट्रैकर ट्रैकर हो, उनके लिए स्पेशल रखना जिसने टेंशन। यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, होम स्टे अच्छा बनेगा यहाँ पे। ज्यादा स्क्रब टाइफस इस वाले घास में होता है और इससे हम मिल छानते हैं, जैसे ये रास्ता है तो यहाँ पे भीग जाऊंगी, इस तरह से छानते हैं और फिर जाते हैं आगे। आना पड़ा प्रचार और अपने लिए डाटा केबल वगैरह का इंतजाम करना पड़ा। ये देखो अभी जाके मेरा चार्ज हुआ है, वहीं पे मैंने चार्ज भी कर दिया, अब जाके फ्री हुई मैं, नहीं तो मेरा मुश्किल हो गया ना वीडियो अपलोड करना। आज मेरे लिए बहुत ही मतलब खराब दिन भी नहीं बोल सकते, खराब ही अच्छा भी नहीं था। सुबह से सिर दर्द हो रही थी, मेरा एक काम था जो बन ही नहीं रहा था, और क्या काम था वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ, पर बहुत ही मुश्किल दिक्कत आ रही थी और इस वजह से सिर दर्द हो रही थी। दूसरा मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी डाटा केबल बिल्कुल खराब हो गई थी, इवन कि दूसरा जो फोन है जो मैं फोन वगैरह सुनती हूँ उसका भी। और तीसरा हमारे पता क्या, नीचे जहाँ हमारी टोकरी है वहाँ पे सेब है, हमने जैसे मैंने बताया था तो वो भी तोड़ने थे आज, पर उधर के लिए रोड ही ठीक नहीं हो रहा है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि वहाँ मैं किल्टे में जो नीचे ढोके निकाले तो मेरी जो करिश्मा और संगीता है उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आई, पिछली बार भी वो मैंने थोड़ा बहुत मैंने और दीदी ने उठा लिया, तो अभी वो वहाँ पे बोलते जैसे पड़ोसी वगैरह लोग फोन करें कि उसमें शू बोलते हम तोते लग गए हैं, तो एक वो सर दर्द। फिर सबसे पहले जो पहला काम था मेरा वो निपटा, कैसे कैसे करके वो सही हो गया, तीन का मतलब कि तीनों कामों में से। फिर दूसरा काम, हाँ एक चौथा था और, मेरी मम्मी का जो है पेंशन वाला, उनका भी यहाँ पे वेलफेयर ऑफिस में काम था, वो भी था आज ही, तो चार चार काम थे, सिर दर्द हो जाती है। फिर ये है कि एक काम तो जो मेरा सबसे टफ काम था वो हो गया है ना, और रौनक के पापा को बुलाया मैंने, पर इनका भी अभी हो गया था 12 बजे के बाद, ये भी मैंने इनको बोला 12 बजे आए, अब 1 बजे आए। फिर इनके वजह से मेरा चलो थोड़ा सा ये है क्योंकि इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी और इतना ज्यादा अजीब सा मौसम है। हाँ, फिर ये है कि फटाफट से वेलफेयर ऑफिस भी गए, मम्मी का पेंशन वाला भी, वो भी अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है ना, अभी वो भी हो गया, चलो वो तो उसका कुछ नहीं है। फिर मोबाइल का भी रहता ही है, अभी भी मैंने पावर बैंक से चार्जिंग पे लगाया है और फिर हो ही जाता है, चलो ये वाला है कि हो तो गया लगभग। और चलिए अब घर में मिलते हैं क्योंकि सफर में, क्योंकि हम लोगों को एक छोटी सी डाटा केबल भी लेनी होती है ना, कितना किलोमीटर आए हम 35, वैसे तो बिथल में भी मिल जाती है, पर ये है कि वेलफेयर ऑफिस हमने कुमार से नाम, तो हम यहीं पे ही आते हैं। यहाँ का पेट्रोल पंप पूरा जो है स्लाइड हुआ है और हमारी गाड़ी अभी यहाँ से, आज तो हम ऐसे बचे ना यहाँ से, अभी भी देखो तो गिर ही रहा है, हमने पेट्रोल डालने के लिए रुके थे ना, वहां डालने के, देख ऊपर स्लाइड, पूरा पेट्रोल पंप पूरा ही ऐसे आ गया, हमारे ऊपर आ गया था, ऐसे दिक्कत हो रही है ना आजकल, हम भी रुके तो इतने देर ही थे, तैने बोला ना, पूरा ये पेट्रोल पंप के ऊपर आई हुई ये खाली वाली जगह। मंडी कुल्लू मनाली भुंतर आगे ये रोड जाता है और ये बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, आगे इसका बंद है ये, तो चल गए अभी हमें यहाँ आना पड़ा पेट्रोल भरने के लिए, तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल भी हो गया क्योंकि हमारी साइड से पेट्रोल पंप भी काफ़ी दूर है, यहाँ से चलते हैं वापस घर। हिमाचल प्रदेश में सारे पेट्रोल पंप, यहाँ पे भी देखो ऊपर, यहाँ पे भी खतरा है ना, ऊपर से सारे लगे हैं, यहाँ पे भी पीछे से स्लाइड एरिया है, यहाँ पे थोड़ा वहाँ तो बिल्कुल ही था ना, पूरा ही पेट्रोल पंप वहाँ पे दब गया। ये सारे जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ है ना दरक रहे हैं बेचारे, छोटे छोटे पानी दिखते हैं, यहाँ पे आएंगे
जो हमारे सेब लेके आएंगे, तो यहाँ वेट करेंगे हम उनका, क्यों है ना, इंतजार करेंगे हम, ऊपर से सेब लेके आएंगे जो हमेशा चौकी दादी भी करते हैं वहाँ पे। तो चलिए वेट करते हैं उनका यहीं पे ही। वो घर के पास जा रही थी मैं रील बनाने, पर यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और मैं नाचूं और ये मुझे देखे, वो मुझे गवारा नहीं, इंस्टा पे भले ही देख ले। और ये रही माउंटेन ड्यू, थोड़ा फ्रेश, वहाँ जा रही थी मैं रील बनाने, फिर ये देखेंगे मुझे, और जब रील बनेगी फिर कोई नहीं देखेगा ना। दे थोड़ा लास्ट गुड दियो मेरे को, मैं लाए थे तो मडा खत्म हो जाएगी इससे। मेरे को सीधा दर्द होती है ना, मडा लगती है, क्योंकि आज तो ये सेब वाली भी टेंशन ही थी, और सेब भी आ जाएंगे अब, थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ उनका। आगे से चाहिए तो नहीं, मुख से ओ मर तो बनाने अच्छा आया तो है। यहाँ पे कौन सा पेड़ है ये, पीपल नहीं शीशम का है ये, जिसके पत्ते मैंने खुद जूस पिए, शीशम के पत्तों भी काफी। एक पेड़ ना मुझे आज तक पता ही नहीं लगा वो पेड़ कौन सा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर ये खान जी रखते हो रखे पकने के लिए, ये क्या है अंजीर, ये कितनी बार लाओगे आप ये ना, उस टाइम ये था अंजीर, बहुत बोलता है अंजीर और माउंटेन ड्यू साथ नहीं। ओहो कष्ट दिया आपको, इन्होंने बोलते दागी वगैरह तो निकाले ही नहीं, चलिए अब यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तीसरा ले आया है इन्होंने ये इस बार, तो मैं इसकी कलम भी लगाऊंगी फेड़ू के ऊपर, खाने में भी काफी गुड़ों से भरपूर होता है ये, पता नहीं कितने फ्रूट निखाती हूँ मैं, है ना, आपने भी खाया था नहीं। काफी बड़ा सा है ये, तू ही प्राण मेरे तू ही देवता, देखेंगे देखेंगे एक दिन बीच में भी गई थी, उस दिन भी बारिश की वजह से मैं ये धाटू नहीं ले पाई थी, आज मैंने ले लिया। और अभी देखती हूँ रौनक के पापा और रौनक के दादी के एक्सप्रेशन, क्योंकि उस दिन वो मुझसे नाराज़ हो गए थे और मैंने वो धाटू फिर पहना ही नहीं, नहीं पहनते हम क्योंकि उसमें वाइट था ज़्यादा, ये ठीक है इसमें नहीं है, वो बिल्कुल सफेद दिखता था, दिखाऊँ आपको, पता नहीं नहीं मिला कहाँ रखा था, पर ये ठीक है, अभी देखती हूँ दिखाती हूँ ना रौनक के पापा के पास जाती हूँ पहले। सुनो सुनो, उस दिन भी सेम इसी जगह बैठे, ये कैसा है, ये पिंक में आ रहा है, ये वाइट होने आ रहा है, वो वाइट था बिल्कुल ना, हाँ वो थोड़ा सा था तो था उसमें हल्का सा, पर वो ब्रिंजल जैसा था। और मम्मी की अब तो ठीक है ना, अब तो पहन सकती हूँ ना, नहीं तो सबने ही पहन लिए थे ऐसे ऐसे, मैं ही रह गई थी एक, तू तो बोला था। अब मम्मी को दिखाती हूँ, भात बोले मेरे पहले क्या हो जाओ बढ़िया जनी का सफेद नहीं थी जो ठीक है जो बोले ठीक ये ठीक है इस... ढोबन मतलब कि अच्छा तो वो तेरे ऊपर लग रहा था, पर वो वाइट है इसलिए वो नहीं पहनना है, ये अच्छा है, ये वाइट बजे है पर इसमें पिंक फूल है, ये चल पड़ेगा, फैशन का फैशन भी हो गया, घर वाले भी सारे खुश हो गए। और इस वीडियो को भी करते हैं अब यहीं पे एंड, मिलेंगे ना, यही दोनों नाराज हुए थे, डैडी को नहीं पड़ता फर्क उतना, मिलेंगे ना ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज के दिन सिर दर्द वाला था और व्लॉग आज एक दिन मिस हो गया, मतलब कल मिलेगा आपको, ये मिलूंगी ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।